हाँ तो भैया और दीदियों, सब कुछ सीख लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी गाड़ी उठाते टाइम भी डिसबैलेंस हो रही है, गाड़ी रोकते टाइम भी स्कूटी का बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, गाड़ी गिर जा रही है। तो यार क्यों, अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप अपनी स्कूटी पे क्या गलतियां करते हैं और आपको कैसे स्कूटी का बैलेंस बनाना है ताकि स्कूटी बिल्कुल स्ट्रेट चले, डिसबैलेंस ना हो और आप गिरने से बचें। तो सबसे पहली जो मिस्टेक करते हैं भाई, गाड़ी रोकते टाइम, अब जब आप गाड़ी रोकते हैं तो गाड़ी रोकते टाइम ब्रेक बाद में मारोगे, पैर पहले गैस डालोगे और गाड़ी ऐसे वैसे कहीं भी कर लोगे। तो ऐसा नहीं करना है, गाड़ी रोकने के लिए सबसे पहले ब्रेक अप्लाई करना है। पैर को आप कमांड दे दो अपने पैरों को कि हाँ अब हम स्कूटी रोकने वाले हैं, तो पैर ऑटोमेटिक आपका काम करेंगे। जब आप ब्रेक अप्लाई कर लें और आपकी स्कूटी पूरी स्लो हो जाए तो धीरे से पैर को रख के ऐसा ठेक लें, है ना। लेकिन आप लोग करेंगे क्या, बिगनर्स लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, जो लोग सीखते रहते हैं ना, ब्रेक बाद में लगाएंगे, पैर घिसटाना पहले कर लेंगे और गाड़ी को डिसबैलेंस कर लेंगे। तो डिसबैलेंस करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपका पैर कर रहा है। तो पैरों पर ध्यान दें, स्कूटी जब ब्रेक अप्लाई कर लें, पूरी स्कूटी जब खड़ी होने लगे, रुकने लगे, तब जाके पैर को आप नीचे रखें। ऐसा ना करें कि भाई पहले पैर नीचे रख लिए, पैर घिसटा रहे हैं फिर स्कूटी कर रहे हैं। और क्या करते हैं आप लोग, दोनों पैर को तो आप नीचे रख लेते हैं, ऐसा करके स्कूटी चालू भी कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जब बढ़ाने की बात आती है तो भाई पैर ऊपर रखेंगे और पूरी बॉडी को ऐसा इस तरीके से खिसक जाएंगे, राइट के तरफ पूरा झुक जाते हैं आप लोग। क्या होता है, स्कूटी स्टैंड में लेफ्ट साइड झुकती है, अब आप स्कूटी उठा के आधी स्कूटी तो भाई राइट तरफ झुका लेते हैं। तो ऐसा मत करो, नॉर्मल रखो ऐसा। और गाड़ी जब आप लोग उठाते हैं, गाड़ी ऐसा उठाते टाइम ऐसा करते हैं और थोड़ा सा आप जो इस तरफ झुक जाते हो, गाड़ी ऐसी डिसबैलेंस हो जाती है, सीधे जाने की बजाय ऐसी घूम जाती है गाड़ी या डिसबैलेंस हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, जब आप स्कूटी उठाएं तो भाई ऐसा रखें पैर, धीरे से स्कूटी उठा के सीधा रखें और आप अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखें। हल्का सा उस तरफ झुकेंगे तो गाड़ी उसी तरफ झुकेगी, जिस तरफ आप झुकेंगे भाई स्कूटी है वहीं पे झुकेगी। बैलेंस बनाना बहुत इजी है, क्योंकि देखो जब हमारे टायर जब चलने लगते हैं तो बैलेंस ऑटोमेटिकली ही बन ही जाता है। तो मिस्टेक आप ये वाली मिस्टेक ना करें। दूसरा, और चलते चलते टाइम जो मिस्टेक हो रही है आपसे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस ऐसी, सबसे पहले तो देखो आप लोग करते क्या हो, हैंडल को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लेते हो, बिल्कुल पूरा झुक गए हैं हैंडल के ऊपर। भाई उतना ज़्यादा बिल्कुल मत पकड़ो, बहुत ज़्यादा लाइट भी मत पकड़ो, नॉर्मल पकड़ो ना जैसे पकड़ते हैं, बस ये करना है। अब आप लोग ऐसी ताकत लगा के पकड़ लेंगे या तो बिल्कुल हल्का सा पकड़ेंगे, नहीं नॉर्मल पकड़ो भाई ऐसा, ठीक है। आपको नॉर्मल पकड़ना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, और फोकस आपको करना है रोड पर और अपने हैंडल पर कि आप स्ट्रेट रखें बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है क्या, वो एक्सीलेटर को ऐसे पकड़ लेते हैं या ऐसे पकड़ लेंगे या ऐसे करके ऐसे पकड़ेंगे, अब ऐसे चलाएंगे तो भाई स्कूटी तो डिसबैलेंस होगी। नॉर्मल पकड़ना है आपको, ये पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे आपको हैंडल पकड़ना है, ठीक है। ऊट पटांग हाथ ना रखें, नॉर्मल रखें जैसा कि मैंने रखा है। प्रैक्टिस आप करें, और रोड की प्रैक्टिस आप ये करें कि आप अपनी गाड़ी को सीधा चलाने की कोशिश करें। तिरछा मिर्छा भाग रही है स्कूटी, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट बार जब चलाओगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ये करें कि हैंडल को भाई सीधा स्ट्रेट पर रखें, है ना। और कभी भी कोई गाड़ी आती है तो आप क्या अकबका जाते हो, जैसे वो गाड़ी आ रही है, देखो अब आप लोग अकबका जाते हैं और बिल्कुल किनारे किनारे करके ऑफ रोड कर लेते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया कि बहुत ज़्यादा किनारे से आप नहीं चलेंगे, बहुत ज़्यादा किनारे से चलेंगे तो गाड़ी आपकी ऑफ रोड होगी तो फिर बिल्कुल नहीं संभलेगी। गाड़ी आ रही है वो साइड से निकल जाएगी, आप अपने पे ध्यान दें, उस पे ध्यान मत दें, थोड़ा सा साइड कर लें स्कूटी को और प्रैक्टिस यही करें कि भाई आपकी स्कूटी सीधी चले। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरी कभी स्कूटी यहाँ चले जा रही है, कभी इधर चले जा रही है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर पाते, आपको फोकस रोड पे प्लस अपने हैंडल पे यहाँ पे करना सीधा। देखो ये हमेशा सीधा होना चाहिए, ये देखो हम ऐसा करके सीधा चलाएंगे। और फर्स्ट में ही भाग के प्रैक्टिस मत करें, ऐसा चला के प्रैक्टिस मत करें। क्या करना है आपको, नॉर्मल भाई 10-20 की स्पीड रखें नॉर्मल, और नॉर्मल तरीके से सबसे पहले आप अपने हैंडल को कंट्रोल करना सीखें कि आपका हैंडल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इधर उधर तिरछा मिर्छा होगा तो गाड़ी तिरछी ही चलेगी।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट्स हो, कमेंट करो, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी।